एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। अगर आप ट्रैफिक आर्बिट्राज मतलब फेसबुक से पेड एडवर्टाइजमेंट यूज करके आपकी साइट पे ट्रैफिक बेच करके एडसेंस अर्निंग कर रहे हैं, और अगर आपका सवाल है कि क्या इससे आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाएगा या फिर उस पर एड लिमिट लग जाएगी, तो उस चीज का सारा डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आप ही के पूछे हुआ सवाल है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था कैसे आप एक दिन में $100 कमा सकते हो। उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपसे एक्सप्लेन की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को पॉज करके पहले उसको जाके देखें। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और एसईओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ इजी और सिंपल वे में शेयर करते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पता लग जाएगा कि क्या पेड एडवर्टाइजमेंट से गूगल एडसेंस में कमाना एक लेजिट प्रोसेस है या नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। मैं पूरा आपको टियर डाउन करके इसको बताता हूं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले ये वो वीडियो था जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यू ब्लॉग पे ऐसे होगा एक दिन में $100, जहां पे मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी। इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के बाद हमारे फेसबुक ग्रुप, अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे 11,500 से ज्यादा ब्लॉगर्स की कम्युनिटी है जो डे टू डे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो लोगों ने मुझसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर करीबन 5,000 से ज्यादा लोग हैं, इनमें भी ये एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया। सो मैंने सोचा चलिए इसी पे हम एक आज एक डिटेल वीडियो बना के मैं आपको बताता हूं इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप प्रिपेयर किया, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, इसके बाद हम गूगल एडसेंस की पॉलिसी के बारे में जाएंगे तो पूरा डिटेल में आंसर मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 9 days की फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज को अगर आप उस कोर्स को क्लेम करना चाहो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से खुद को एनरोल कीजिएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि गूगल एडसेंस कैसे काम करता है। जो लोग नए हैं उनको बता दो ट्रैफिक आर्बिट्राज क्या है। तो बेसिकली एक ऐसी टेक्निक जहां पर आप फेसबुक में एड चलाते हो और वो एड आपसे ट्रैफिक आपकी साइट पे आता है, और आपकी साइट पे जो ट्रैफिक आता है उससे जो भी इंप्रेशंस और क्लिक्स आपको मिलेंगे एड पे वो आपका रेवेन्यू होगा। तो जब आप कम ट्रैफिक चलाएंगे तो कम पैसा, ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा। तो जो मार्जिन क्रिएट होगा जो आप एड को दे रहे हैं फेसबुक और उससे जो गूगल में अर्निंग हो रही है, दैट इज योर प्योर प्रॉफिट। तो क्या ये एक सही तरीका हो सकता है, उसमें क्या रिस्क है, चलिए इसको टेयर डाउन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गूगल एडसेंस के दो फैक्टर्स, इसमें पहला कैसे गूगल एडसेंस काम करता है और दूसरा जो आप ट्रैफिक का सोर्स यूज करते हैं उसको गूगल क्या क्या कौन से टाइप का ट्रैफिक वैलिड। तो मेरे पास पॉलिसी है, मैं पॉलिसी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कैसे गूगल एडसेंस काम करता है। तो सिंपल सी चीज है, एक एडवर्टाइजर होता है लाइक मी, मुझे अगर मेरे सुप्रीम कैंपस के प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना तो मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाऊंगा, मतलब गूगल एड के अंदर, वहां पे एड बनाऊंगा और गूगल को बोलूंगा मेरी एड उन सारे क्रिएटर्स की साइट पे दिखाओ, मतलब वो सारे पब्लिशर्स जिनके ब्लॉग है, जिनके यूट्यूब चैनल है। जैसे ही मैं एड चलाऊंगा तो गूगल एड को मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इतने रुपए की एड चलानी और इससे इस दिन के बीच में चलनी चाहिए, तो गूगल एड मेरे से पैसा लेगा और उस पैसे से वो हर जगह पे जो भी उसके अप्रूव्ड नेटवर्क है, जैसे आप सब ब्लॉगर जो एडसेंस के थ्रू अप्लाइड होते हैं, तो वो एडसेंस के थ्रू आपकी साइट पे वो एड दिखाएगा। तो उससे जो पैसा गूगल मुझसे लेगा एज एन एडवर्टाइजर, उसका 60% या 80% जिस टाइप का एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है उतना आपको एज अ क्रिएटर या फिर आपको एज अ पब्लिशर दे देगा, और बाकी का 40% गूगल के इनकम। तो यही इनका बहुत बड़ा मेजर रेवेन्यू सोर्स है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक एडवर्टाइजर जब गूगल एडसेंस के लिए एड को लगाने के लिए जाता हूं, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है बेटर रिजल्ट्स, राइट। मैं जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट आना चाहिए। अगर मान लो कि मैं एड चला रहा हूं और अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा तो इट इज ऑब्वियस कि मैं गूगल एडसेंस या गूगल एड के थ्रू कोई भी एड नहीं चलाऊंगा, तो गूगल का नुकसान है। तो इन शॉर्ट एक एडवर्टाइजर को क्या चाहिए, एक एडवर्टाइजर लुक फॉर अ टारगेटेड ट्रैफिक, मतलब कि उसकी एड जब कहीं पे भी दिखेगी तो वो चाहता है कि वही बंदा उसकी एड को देखे, क्लिक करे और उसी के लिए वो पे करे जिससे उसको कोई बिजनेस बन रहा हो। अगर ये मॉडल नहीं काम करेगा, एडवर्टाइजर को आगे अगर तरीके का ट्रैफिक नहीं मिलेगा जो उसकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजर एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गूगल एडसेंस के लिए क्या मैटर करता है, जो ट्रैफिक उसके लगाए हुए एड के थ्रू उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर और कंपनी की साइट पे जा रहा है वो लेजिट ट्रैफिक हो, वो एक टारगेटेड ट्रैफिक हो, वो एक जेन्युइन ट्रैफिक हो जिससे एडवर्टाइजर को रिजल्ट मिले। अगर उसको नहीं मिला तो गूगल का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए, गूगल केयर अबाउट द क्वालिटी टारगेटेड ट्रैफिक।
अभी इसके बाद में हम बात पे आते हैं कि कौन सा सोर्स गूगल हमें रिकमेंड करता है। बहुत सारे ट्रैफिक के सोर्सेज है, तो यहां पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गूगल एडसेंस कैसे काम करता है और एक एडवर्टाइजर गूगल से क्या एक्सपेक्ट करता है और एक गूगल पब्लिशर से क्या एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि जब आप ब्लॉग चलाते हो तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है, राइट, और जो ट्रैफिक है उसी से तो एड पे क्लिक और इंप्रेशन आएंगे, उसी से तो लोग एड पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर एक एडवर्टाइजर गूगल को पैसा देता है और गूगल आपको पैसा देता है, लेकिन तभी वो गूगल आपको जज करता है कि आप किस टाइप का ट्रैफिक एडवर्टाइजर के साइट पे भेज रहे हैं। आपको ट्रैफिक ड्राइव करने का पैसा मिल रहा है, तो उस केस के अंदर सोर्स ऑफ ट्रैफिक पिक्चर में आता है। ओके, तो फटाफट से लाइक कर दो क्योंकि यहां पर है इनसाइट जिसके लिए आपने वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, गूगल, इट इज ऑब्वियस कि गूगल सबसे पहले रिकमेंड करता है आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आओ, उसके सर्च इंजन से ट्रैफिक लेके आओ, चाहे ये ट्रैफिक बिंग से आए, चाहे ट्रैफिक याहू से आए, चाहे ये ट्रैफिक किसी भी अदर सर्च इंजन से आए। मतलब गूगल चाहता है कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इंटरवेंशन ना हो, आपका ब्लॉग पोस्ट मैन्युअली रैंक करे, ऑर्गेनिकली रैंक करे, और उसके बाद लोग साइट पे जाओ, उसमें से कुछ क्लिक और कुछ नॉन क्लिक होते हैं। लेकिन इसमें भी आपने ये देखा होगा कि जब भी गूगल आपकी साइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने की बात करता है, और मान लीजिए कि आपकी साइट पे हजारों ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, इसके बाद अगर आपकी साइट पे जो एड है उस एड पे नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा आ रहा है, तब भी गूगल एडसेंस आपको पैसा नहीं देगा, राइट? तो मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आप कितना भी ड्राइव कर दे, यहां पर एक फिल्टर है। तो ये हम डिस्कस करेंगे क्या है। और दूसरा ट्रैफिक होता है जो पेड ट्रैफिक होता है, जो आप गूगल से ड्राइव कर सकते हैं, गूगल एड चला करके या फिर फेसबुक से, जो कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट वाज अ ट्रैफिक आर्बिट्राज। अभी जब पेड ट्रैफिक की बात आती है, मैं यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको यह बताऊंगा कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी पेड ट्रैफिक को लेकर के क्या कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने गूगल का ऑफिशियल डॉक निकाला है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आपका ट्रैफिक कहीं से भी आए, चाहे वो गूगल का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए या फिर फेसबुक का पेड ट्रैफिक आए या फिर गूगल का कोई भी पेड ट्रैफिक आए, उस केस के अंदर गूगल आपके इंप्रेशंस और आने वाले क्लिक्स को मॉनिटर करेगा। अगर वो क्लिक्स एक जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तभी हम बोलते हैं कि आपकी जो क्लिक थ्रू रेट है, जो आपके एड पे जो क्लिक्स आते हैं कंपेयरिंग विद इंप्रेशन, वो कभी भी 15-20% से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। 15% इटसेल्फ इज अ रिस्की जोन, आपको 10% से नीचे ही रखना है। तो यहां पर नो मैटर कि आपको कितने इंप्रेशन, कितने क्लिक आ रहे हैं, अगर गूगल को लगता है कि आपके 15% से ज्यादा का CTR जा रहा है, तो आपकी साइट पे एड लिमिट लग सकती है, एड वार्निंग लग सकती है, क्योंकि गूगल को लग रहा है कि अभी आप कोई तो इनवैलिड क्लिक वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो साइट पे 100 ट्रैफिक है, 100 में से अगर 15 लोगों ने एड पे क्लिक किया, तो आपकी साइट बहुत ही रिस्क में आ जाती है। वो एक दो बार एडजस्ट करेगा, देन इसके बाद में आपको डायरेक्टली एड लिमिट लगा देगा। तो मतलब इनवैलिड क्लिक एंड इंप्रेशन, नो मैटर कैसा भी ट्रैफिक आप ड्राइव करेंगे, आपको डेफिनेटली इसके साथ बच के रहना। ये तो पहला। दूसरी चीज, ट्रैफिक का सोर्स। अगर मैं ट्रैफिक के सोर्स की बात करूं, तो गूगल ने यहां पे एक्सप्लिसिटली बोल के रखा है कुछ ऐसी एक्टिविटी है। मान लीजिए कि अगर आप एक पब्लिशर है, मतलब आपका ब्लॉग पे अगर आप कोई ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, वो ऐसा ट्रैफिक है जहां पर आप उनको पैसा दे रहे हैं जब भी कोई यूजर आपकी साइट पे आके क्लिक कर रहा है। मान लीजिए कि आपने किसी को बोला, जैसे आपने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने मुझे ऑर्डर क्या दिया कि भाई ये है 100 रुपए, और 100 रुपए में तुझे मेरी साइट पे जाकर के 4 बार क्लिक करना। तो ये हो गया पेड टू क्लिक, इट इज नॉट अ PPC, पे पर क्लिक नहीं है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा है, बोला ट्रैफिक का एक ऐसा सोर्स जहां पर पेड टू क्लिक प्रोग्राम हो, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपकी साइट पे जाकर के एड पे क्लिक करेंगे। तो दिस इज प्रोहिबिटेड, ये एक टाइम के बाद में, क्योंकि वो आपकी साइट पे अकेले पे क्लिक नहीं कर रहा है, वो ऐसे हजारों साइट पे जाकर के क्लिक करेगा, तो गूगल को पता लग जाएगा भाई इस IP से कोई बंदा इस टाइप की सर्विसेज सेल कर रहा है, और उसने जहां जहां पे भी जाके जो जो भी क्लिक्स किए वो सारी साइट्स डेंजर में आ जाएगी। गॉट इट? ये है इनसाइड। सारी चीजों को छोड़ो, हम एग्जैक्ट पॉलिसी की बात करते हैं। मैंने खुद ने रन चलाई है, तो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस एंड में बताऊंगा। दूसरा है अनवांटेड ईमेल। कभी लोग क्या होता है कि कुछ ईमेल्स अनवांटेड भेज देते हैं जिसके अंदर लिंक होती है, जहां पे लोग क्लिक करके आपकी साइट पे आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तीसरा, डिस्प्ले एड, या फिर आप कहीं पर डिस्प्ले एड चलवाते हो और वहां से जाकर के आप ये लोगों को बोलते हैं कि मेरी साइट पे जाओ और वहां पे जाके एड पे क्लिक करो। तो जितने भी पेड इस टाइप के मेथड्स हैं, दीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप देख सकते हैं जहां पे आप मास में ईमेल भेजते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब बॉट के थ्रू आपकी साइट पे ट्रैफिक भेज रहे, जो एक ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। एक ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है, राइट? एक साइट पे एक पैटर्न होता है, कोई भी बंदा आपकी साइट पे आएगा, किसका कितना सेशन है, कितना पेज, एक नेचुरल बंदा अलग रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू बॉट। तभी कहते हैं ना, आप बॉट से ट्रैफिक भेज दो, एक दो बार, 3-4 बार, 5-6 बार भेज दोगे, गूगल शायद आपको बैन नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो रीड कर रहा है। लेकिन ये पैटर्न जब रिपीट होता है, तब गूगल जाकर के बैन करता है, राइट? तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि कैसे भी इसी टाइप के टेक्निक को यूज नहीं करता। तो कहीं पे भी
इन्होंने पीपीसी की बात नहीं की है, पे पर क्लिक, मतलब आप किसी को एड को डिस्प्ले करवा करके आपकी साइट पे ट्रैफिक भेजोगे, अगर वो बंदा जाकर के इंप्रेशंस और क्लिक लाएगा, तो इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये कोई लेजिट प्रोसेस नहीं है और ये कोई वैलिड प्रोसेस है या नहीं है। लेकिन उस केस के अंदर, तो यहां तक आपको पॉलिसी क्लियर हो गया राइट, तो उस केस के अंदर मान लो कि अभी आप जाकर के, अभी इतना कुछ समझने के बाद, जो उनकी पॉलिसी में कभी भी गूगल का क्लियरेंस नहीं रहता राइट, यहां पर आपको जनरल स्टेटमेंट मिलता है, मान लो समझने के बाद अभी आप फेसबुक में गए और फेसबुक में जाकर के आपने एड चला दी। सबसे पहले तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि फेसबुक में एड दो टाइप की चलती है, ओके, जब भी आप एड चलाओगे, तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट बेस्ड एड, ओके, मतलब कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो किस टाइप से होता है, एक होता है एंगेजमेंट बेस्ड एड, ओके, मैं कहूं कि एंगेजमेंट, जहां पर आपने एड तो चलाई लेकिन आप फेसबुक को पैसा इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो एड पे क्लिक करे यूजर, आप दे रहे हो कि कोई भी आपके कंटेंट को लाइक करे, शेयर करे, उस केस के अंदर आप फेसबुक का पैसा दे रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि यहां पर आपको एक नेचुरल ग्रोथ होगी, मतलब कोई भी बंदा आपकी कंटेंट को शेयर कर सकता है, तो इट्स लाइक अ सोशल शेयर शेयरिंग राइट, कोई भी कंटेंट पॉपुलर होता है तो लोग, हजारों लोग उसको शेयर करते हैं, तो इट इज नॉट अ इनवैलिड, मेरी सोच के हिसाब से इट इज नॉट अ इनवैलिड प्रोसेस। अगर आप फेसबुक में कोई कंटेंट डाल दें और उसको हजारों लोग उसको शेयर कर रहे हैं, आपकी साइट पे जाके कंटेंट को रीड कर रहे हैं, तो इट्स एन ऑथेंटिक और रियल ट्रैफिक, जेन्युइन ट्रैफिक राइट, और तब वो यूजर जाके क्लिक और इंप्रेशन करेंगे, तो डोंट थिंक इट इज एनी इनवैलिड ट्रैफिक। व्हाट गूगल केयर, टारगेटेड ट्रैफिक, आप किसी भी कंटेंट को ऐसे शेयर नहीं करेंगे कि उसमें सिर्फ लाइक और शेयर आ रहे हैं, आप उसको तभी शेयर करेंगे जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, गूगल केयर अबाउट द टारगेटेड ट्रैफिक। नाउ इमेजिन दूसरा ट्रैफिक होता है जो सिर्फ ट्रैफिक होता है, मतलब आप उसमें फेसबुक को क्लिक का पैसा देते हैं, जो कि हम ट्रैफिक आर्बिट्राज में अगर आप ट्राई करते हो, ये कोई भी ट्राई कर सकते हो, इट्स कि आपको देखना है कि कौन सा वाला ट्राई करना है, इसमें आप क्लिक लेके आ रहे हो, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो गूगल के लिए जब भी आप एफबी ट्रैफिक ड्राइव करोगे, तो यहां पर एक बेनिफिट है, आप अनलिमिटेड ट्रैफिक आपकी साइट पे ड्राइव कर सकते हो, मतलब जितना भी ट्रैफिक चाहो, जितना पैसा दो उतना आ सकता है, अभी आपको निकालना है कितना प्रॉफिट और कितना मार्जिन हो रहा है राइट। लेकिन यहां पर एक रिस्क है और वो है एड स्पैम फिल्टर का, और ये सबसे मेजर क्राइटेरिया, इसके लिए आपको वापस यहां पे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि गूगल में एज एन एडवर्टाइजर मैं पैसा देता हूं, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि वही बंदा आपकी एड पे क्लिक करे जो उस चीज में इंटरेस्टेड हो, कोई अननोइंग, कोई भी अनवांटेड या फिर कोई भी नॉन इंटरेस्टेड पर्सन उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, यही तो गूगल चाहता है और यही तो एडवर्टाइजर चाहता है। तो यहां पर इसलिए एक एड स्पैम फिल्टर होता है और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एसईओ से ट्रैफिक आए, चाहे वो पेड आए। ये क्या करता है, ये आपकी साइट पे आने वाले एवरी ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, उसको थोड़ा सा भी वहां पर हिंट लगता है कि आप कोई फिशी टेक्निक यूज कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, वहां पर आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्लिक आए होंगे उसको आपके सेटलमेंट में से हटा देगा राइट। चाहे वो जेन्युइन ट्रैफिक हो, आपने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन गूगल को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, आपने ज्यादा इंप्रेशंस किसी और तरीके से ले लिए जो गूगल को पता नहीं लग रहा है, या फिर आपके जो क्लिक्स है वो उसको कुछ इनअप्रोप्रिएट लगेंगे, तो वो आपको वहां पर स्पैम फिल्टर, मतलब ये आप क्वालिटी को चेक करते हैं लोग कि जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक के आपकी साइट पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज अ गूगल एड राइट, जो भी बंदा एड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट पे गया, ऐसा हजार बंदे जो उस एड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट की साइट पे गए, लेकिन हजार में से एक ने भी प्रोडक्ट नहीं परचेज किया, तो गूगल को समझ में आ जाए कि हजारों हजार का ट्रैफिक सोर्स कौन है राइट, और ये ट्रैफिक सोर्स है आपकी साइट, लो लग गया बैन, गॉट इट। नाउ इमेजिन कीजिए कि वही हजार ट्रैफिक, नो मैटर आपने कोई सा भी सोर्स यूज किया है, चाहे वो फेसबुक एड का किया है, चाहे आपने गूगल एसईओ का किया है, लेकिन वो हजार में से लोग उस साइट पे जा रहे हैं और हजार में से अगर 50 लोग जाकर उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, गूगल को वही तो चाहिए, क्योंकि वही तो एडवर्टाइजर चाहता है, तो दिस इज नाउ काउंटेड एज अ रियल ट्रैफिक। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो एफबी से आया या एसईओ से आया। इमेजिन कीजिए मैं कोई डाइट है, डाइट प्लान की मैंने कोई रेसिपी बनाई है और उस चीज को लेकर के मुझे ट्रैफिक चाहिए, मेरी साइट पे मैंने पूरा उसका गाइडेंस दिया कि कैसे डाइट प्लान हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, तो जो एडवर्टाइजर है वो भी डाइट वाला एडवर्टाइजर ही होगा जो मेरी साइट पे एड दिखाएगा। अब इमेजिन कीजिए वो डाइट का जो ब्लॉग पोस्ट है उसको मैं फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर रहा हूं, अभी वहां से जो यूजर आएंगे, इट इज ऑब्वियस कि आप जो भी फेसबुक पे आपको एड दिखेगी तो आप किस एड को क्लिक करते हो, वही तो एड को क्लिक करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको ब्लॉगिंग की एड दिखेगी तो आप क्लिक करोगे, स्पॉट की दिखेगी तो नहीं करोगे राइट। सिमिलरली मेरी एड में जो मैं टारगेटिंग करता हूं वो मैटर करेगा, अगर मैंने उसमें हेल्थ और फिटनेस के पीपल को टारगेट किया तो वो बंदे जाएंगे उस एड को क्लिक करेंगे, मेरी साइट पर जब कंटेंट रीड करेंगे बाजू में गूगल एडसेंस की एड दिखेगी, वो बोलेगा डाइट प्लान, आप में से 10 लोग जाकर के उसके डाइट प्लान को परचेस किया, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिक ट्रैफिक। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर मैं इनसाइड और कोर में जाके देखूं कि गूगल एडसेंस कैसे काम करता है, गूगल
एड कैसे काम करता है, तो आई कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस वन। ये कोई फिक्शनल कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये मैंने पीछे पहले भी किया हुआ है। जब मैं ब्लॉगिंग वॉइस पे ये जो पर्टिकुलर ऑफर है राइट, यहाँ पे गिफ्ट के अंदर, वहां पे मैंने बहुत सारा ट्रैफिक ड्राइव किया है और वहां पे एड भी डिस्प्ले होता था, और जब एड होता था तो रेलिवेंट था, वही तो लोग मेरी एड को क्लिक करते थे जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड, और वहां पे जो एड दिखती थी वो भी ब्लॉगिंग की दिखती थी। तो उसमें से कुछ लोग क्लिक भी करते थे, कुछ नहीं भी करते थे, लेकिन ये जेन्यून है। आप पैसा क्लिक के लिए नहीं दे रहे, आप पैसा इंप्रेशन के लिए नहीं दे रहे, आप रैंडम यूजर को फेसबुक के थ्रू आपकी साइट पे ड्राइव कर रहे हैं जो टारगेटेड हैं, और जब वो जाएंगे तो इंप्रेशंस जेन्यून है, वो जाएंगे तो क्लिक्स भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो आप उस पेड क्लिक वाली टेक्निक में नहीं है जो गूगल एडसेंस यहां पे बोल रहा है कि भाई पेड टू क्लिक, आप किसी को क्लिक के पैसे नहीं दे रहे। यहां पे क्लिक मतलब आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं, मतलब एड पे क्लिक, आप क्लिक के थोड़ी ना दे रहे, आप तो ट्रैफिक दे रहे। अभी वो यूजर्स 1000 जाएंगे, 1000 में से 20 क्लिक करेंगे, इट्स अ जेन्युइन और ऑथेंटिक ट्रैफिक। लेकिन हां, आपको ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली भी काम करना है, जो ओवर द टाइम आपको इंप्रेशन आने लग जाएंगे। तो होपफुली यहां पर आपको इनसाइड क्लियर है। ओके, तो अगर आप यहां पर जाके जाएंगे तो मेक श्योर आपका एवरी सिंगल क्लिक गूगल फिल्टर करेगा। अगर यहां पर सबसे बड़ा मैटर हो जाता है वो होता है क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। जितना टारगेटेड यूजर आपकी साइट पे भेजेंगे गूगल उतना ही आपको अप्रिशिएट करेगा, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस होल मॉडल वर्क। तो ये मैं यही समझता हूं कि पेड ट्रैफिक से क्या फर्क पड़ सकता है। चाहे तो आप रीट्राई कर सकते हैं अपने आप से, अगर आपको कोई एड लिमिट जैसा कुछ अगर लगा है या फिर लगने की प्रोबेबिलिटी है। देखो, वैसे तो आपने कभी फेसबुक पेड ट्रैफिक पे ट्राई नहीं किया होगा, तब भी आपकी साइट पे एड लिमिट लग जाता है। क्यों? यही तो कोर प्रिंसिपल है जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। गूगल केयर अबाउट द क्वालिटी टारगेटेड ट्रैफिक। अगर वो मिल रहा है तो गूगल का फुलफिल हो रहा है एजेंडा, और एडवर्टाइजर का हो रहा है एजेंडा। तो दैट इज व्हाट दिस होल सिस्टम लुकिंग फॉर, करेक्ट? तो यहां से आई होप कि आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको ट्रैफिक आर्बिट्राज के टेक्निक यूज करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट कॉन्टेंट ओरिजिनल होना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी वैल्यू एडिशन टू दैट यूजर जो आपकी साइट पे आ रहा है, तभी तो आपको जेन्युइन में इसका बेनिफिट होगा। तो मैं यही समझता हूं इस पूरे फंडामेंटल के अराउंड में। आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक एक का कमेंट रीड करूंगा ताकि मैं खुद समझ सकूं कि बेसिकली किसके साथ क्या हो रहा है, ताकि हम और फ्यूचर में और वीडियोस बना सकें। सो गाइस, हमारे चैनल पे ऐसी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है विल प्रॉपरली रिसर्च। सो अगर आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को अप्रिशिएट करना, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कर दें, इसको शेयर भी जरूर करें। दिस गिव्स मी मोटिवेशन, और होपफुली आपको यहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम का आंसर मिल चुका है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।